सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, एक बात बताऊं, आपकी पूजा कभी सफल होती ही नहीं, क्योंकि आपकी पूजा का फल आप तक कभी पहुंचता ही नहीं। क्या कारण है इसका? क्योंकि इंद्र ने भगवान से वरदान ले रखा है कि जो भी प्रेमी पूजा करेगा, सेवा करेगा, कोई भी किसी भी प्रकार की पूजा, उसका फल मुझे चाहिए। यानी कि पूजा आप करते हो, मेहनत आप करते हो, फल इंद्र भगवान को मिलता है। लेकिन उससे बचने का एक उपाय है, हम इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग चाहकर भी इस वीडियो को छोड़कर नहीं जा सकते। अन्य वीडियो में हम बोलते हैं जिसे छोड़कर जाना है जा सकते, आज हम बोलते हैं आप लोग चाहकर भी इस वीडियो को छोड़कर नहीं जा सकते। किसी भी एक बात को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, फिर भी ये वीडियो आज लंबी होगी, बने रहो वीडियो के साथ। बस आज से, अभी से जो भी दुख था, जो भी परेशानी थी, आज के बाद नहीं होगी। 100% गारंटी लेते हैं, कोई नहीं लेता किसी की गारंटी, हम लेते हैं। इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाए, पहले तो उसे सुनो, इस थोबड़े को मत देखो, ये कोई काम का नहीं है। पहले तो जो बताया गया है उसे ध्यान से सुनो, फिर उसे समझो, और फिर उसे अपने जीवन में अप्लाई करो। अगर आपने ये तीनों काम कर लिए, 100% गारंटी लेता हूं, 100%। यह विधान है 41 दिन का, 41 नहीं कर सकते, 21 दिन का कंपलसरी है। 21 दिन से डाउन नहीं होगा। क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है? सबसे पहले अपने आप को इंद्र से बचाओ, फिर अपने आप को पृथ्वी से बचाओ, क्योंकि आपकी पूजा का आधा हिस्सा पृथ्वी के अंदर जाता है। उन सभी से कैसे बचना है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। अब जो भी परेशानी है, जो भी परेशानी है, चाहे कुछ भी परेशानी हो, आपसे और भगवान से कोई बात छिपी नहीं है। क्या करना है, बिल्कुल शांत चित्त मुद्रा में, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर, चाहे कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, रिलैक्स हो जाओ। मानते हैं जो परेशान होते हैं वो रिलैक्स नहीं हो सकते, लेकिन आज हो जाओ। क्या करें, नियम लो आज से, अभी से, इसी समय से। जरूरी नहीं कि आप एकादशी से शुरू करोगे। कई प्रेमी पूछते हैं कि क्या एकादशी से शुरू करें? अगर प्रॉब्लम आज है तो हम कल से क्यों शुरू करें? और वैसे भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आज से, अभी से, इसी समय से, जिस समय आपको ये वीडियो मिले उसी समय से एक संकल्प लो। कैसा संकल्प? कि यह काम हम लगातार 21 दिन या 41 दिन करेंगे। कौन सा काम? श्याम चालीसा, श्याम आरती, हनुमान आरती, हनुमान चालीसा कंपलसरी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कंपलसरी है। कहां से सुने, कैसे सुने, इसके लिए इन सभी के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और इस वीडियो के आखिर में आपको लिंक मिल जाएंगे, बने रहिए। इसके साथ साथ आप अपनी अरदास अगर डायरेक्ट बाबा श्याम को लगाना चाहते हैं, तो हम हर रोज शाम को सभी प्रेमियों को लाइव दर्शन करवाते हैं बाबा श्याम की। उससे जुड़ने के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक ग्रुप का लिंक और अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, केवल एक मैसेज, क्या कि हमें ग्रुप से जोड़ दो। अगर दूसरा मैसेज करोगे हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हजारों मैसेज पेंडिंग में पहले से पड़े हैं। आगे चलें। अब क्या संकल्प लेना है कि हम, मान के चलो आपने कहा कि हम 41 दिन हर रोज श्याम आरती, श्याम चालीसा, हनुमान आरती, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, दोनों समय कंपलसरी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कैसे करना है, सुबह उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनने, साफ कपड़े, ध्यान रहे, साफ कपड़े। फिर अपने पूजा स्थान की तरफ जाओ। पूजा स्थान पर पहले साफ सफाई करो अच्छे से, बहुत ज्यादा जरूरी होता है पूजा स्थान पर साफ सफाई करना, क्योंकि जहां साफ सफाई होगी वहां माता लक्ष्मी विराजमान होंगी, हर हाल में होंगी। अब जो आपका बैठने का स्थान है वो मोटा होना चाहिए, जो आसन, जिसे हम आसन बोलते हैं, वो मोटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप देखो, कोई भी चीज को ऊपर फेंकोगे वापस नीचे आएगी वो चीज। क्यों आएगी? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है तो उसे खींच लेती है। सेम यही कहानी हमारे साथ भी है। हम कहीं भी बैठ जाते हैं और कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, धरती माता उसे अपने अंदर खींच लेती है। कहा था ना, पृथ्वी हमारी पूजा को अपने हिस्से ले लेती है। बाद में बताएंगे कि इंद्र से कैसे बचना है, अब सुनो पृथ्वी से कैसे बचना है। अपना आसन मोटा रखो, जितना ज्यादा मोटा आसन होगा ना, उतना ही आपका बल आप तक रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। आसन पर बैठे, जो बता रहे हैं ध्यान से सुनो, कोई नहीं किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने भी नहीं बताया होगा, यहां तक कि जो संत महात्मा हर रोज हर समय पूजा में विलीन रहते हैं ना,
उन्हें भी बताने की इजाजत नहीं होती। कुछ क्षणों के लिए, हम कोई संत महात्मा नहीं है, हम कोई पंडित नहीं है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि हमें बताने की इजाजत है। संत महात्माओं को ये बातें बताने की इजाजत नहीं है, और किसी ने पहले नहीं बताया होगा, गारंटी लेता हूं नहीं बताई होगी ये बातें। अब ध्यान से सुनो, पूजा स्थान पर बैठे भगवान की तरफ देखो, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, मान के चलो आप बाबा श्याम, बाबा श्याम के साथ बाबा हनुमान की पूजा करना कंपलसरी है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो बात कंपलसरी बोली गई है वो करनी ही पड़ेगी। सामने बैठो, भगवान को भोग लगाने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, दो चीनी के दाने सभी के घर में होते हैं, दो दाने चीनी के, ठीक है, काम चल जाएगा। आप दिया लगाओ, देखो कई बार क्या होता है, सर्दियों के समय दिए में घी जम जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, आप उसके अंदर घी मत डालो। गर्मी का समय है, आप उसके अंदर घी डाल दो, सर्दी का समय है घी मत डालो। जो बत्ती आपने लगाई है वो चाहे 30 सेकंड ही क्यों ना चलती रहे, कोई परवाह नहीं, चलने दो उसको, जितनी देर चले चलने दो उसको। अब कुछ प्रेमियों के पास माला होंगी जो माला करते हैं, ध्यान रहे माला तुलसी की होनी चाहिए। शांत चित मुद्रा में भगवान के सामने बैठ जाओ, आसन मोटा है पृथ्वी से बचेगा। अब आगे क्या करना है, भगवान की तरफ देखो, दिया जलाओ, चीनी के दो दाने रखो, उस समय घंटी जरूर बजाना, क्योंकि घंटी से ही भगवान जागृत रूप में आते हैं और आपका भोग लगाते हैं। ज्यादा कुछ ना कर सको, दिया लगाओ, दो दाने चीनी के रखो, घंटी बजाओ, भगवान आ चुके हैं, अब अपना काम शुरू कर दो। अगर आपके पास इतना समय है कि आप माला कर सको तो अच्छी बात है, इतना समय नहीं है कि माला जाप ओम श्री श्याम देवाय नमः अलग से कर सको, तो माला चलती रहनी चाहिए, उसके साथ साथ आप आरती बोलते रहें, चालीसा बोलते रहें, माला चलती रहनी चाहिए। जितनी देर आप हनुमान आरती, हनुमान चालीसा, श्याम आरती, श्याम चालीसा करते हो, उतनी देर माला चलती रहनी चाहिए। ये मत गिनो एक हुई दो हुई, नहीं, ध्यान रखें इस बात का, चलती रहनी, चाहे कुछ भी हो चलती रहनी चाहिए। हाँ, आपकी जो चालीसा कंप्लीट हो जाए उस दौरान अगर माला के कुछ नाम रह चुके होते हैं, तब आप जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम करके माला कंप्लीट कर दें, माला को अधूरा ना छोड़ें। अगर 8-10 नाम रहते हैं तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। अब कुछ प्रेमियों का ये सवाल होता है कि पहले हनुमान आरती करें, हनुमान चालीसा करें, क्या करें? देखिए, जो आप कर सकते हो वो करें। पहले अपने आप से पूछो कि आप किस चीज में समर्थ हो, ये मत देखो कि सामने वाला क्या कहना चाहता, नहीं, जो आप कर सकते हो वही पहले करें, भगवान छोटे बड़े नहीं होते, क्लियर? अब काम धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, उस समय इंद्र को चिंता हो रही है कि ये तो भगवान की पूजा पाठ में बैठ चुका है, अब ये मुझसे मेरा सिंहासन छीन लेगा। सबसे बड़ी चिंता केवल इंद्र को होती है और किसी को नहीं होती। तब उसने भगवान से वरदान लिया कि जो भी प्रेमी किसी भी प्रकार की पूजा करे उसका फल मैं ले लूं। बस भगवान ने उसको वरदान दिया कि ठीक है तू ले ले, लेकिन उसका भी रास्ता है। अगर प्रेमी ने यह काम कर दिया तो उसकी सेवा, उसकी पूजा, उसका जाप तुझ तक नहीं पहुंचेगा। क्या करना है? सबसे पहले तो जो आपका, जहां आप बैठे हो पूजा कर रहे हो, किसी और को दिखाई नहीं देनी चाहिए वो चीजें। अगर आपके घर के किसी भी सदस्य को दिखाई देते हो आप, तो आपकी पूजा का आधा फल उस प्रेमी को चला जाता है। पहले पृथ्वी से बचाए, कैसे? आसन मोटा करके। फिर अन्य प्रेमियों से बचना है, कैसे? एकांत में बैठकर। आपने देखा होगा कि जो साधु संत हैं वो अकेले अकेले बड़ी बड़ी गुफाओं में, हिमालय की कंदराओं में बैठे बैठे अकेले 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 जाप में चले जा रहे हैं, यही कारण है। दो बात क्लियर, तीसरी बात इंद्र से कैसे बचना है। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा लेकिन फिर भी आपको एक आवाज सुनाई देगी, उस आवाज को पकड़ना। माला कंप्लीट, आपकी आरती चालीसा कंप्लीट, उसके बाद ध्यान रखिए इस बात का, उसके बाद भी आपको उठना नहीं अपने आसन से। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पांव नीचे रखोगे पृथ्वी फिर खींच लेगी उस चीज को। उससे कैसे बचना है? 2 मिनट बैठे रहना कंपलसरी है, 2 मिनट, 2 मिनट जहां भी जो आसन पर बैठे हो वहीं बैठे रहो, और जो माला आपके हाथ में है ना उसे फिर गले में डाल लो, जो तुलसी की माला है उसे गले में डाल लो। गले में डाल लोगे तो उस माला का जो प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव माला का होता है। आपने देखा होगा कभी श्रीधाम वृंदावन, मैं तो नहीं गया हूं, मैंने वीडियो में देखा है या प्रेमियों से सुना है, राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री कृष्णा हरे कृष्णा चलता रहता है। सबसे बड़ा प्रभाव माला का, माला से बड़ा कोई प्रभाव है ही नहीं। उस माला को गले में धारण करें 2 मिनट,
और 2 मिनट उसी आसन पर बैठे रहें। इससे क्या होगा, माला का जो प्रभाव था वो आपके शरीर में रम जाएगा, आपकी पूजा का जो प्रभाव था वो आपके शरीर में रम जाएगा। 2 मिनट बाद अपना दायां पैर पृथ्वी पर रखें, पृथ्वी आपका पुण्य नहीं ले पाएगी। इंद्र से कैसे बचना है, ध्यान से सुनो, मैं कुछ सुनाऊंगा आपको, बताऊंगा नहीं, सुनाऊंगा, ध्यान से सुनो, हाथ जोड़ो। जो बुजुर्ग हैं वो समझ चुके हैं इस बात को, क्योंकि बुजुर्ग ये काम करते थे पहले। आज की युवा पीढ़ी को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आप लोग हर जगह धक्के खा चुके हो, हर जगह से परेशान हो चुके हो, और आज की युवा पीढ़ी को केवल ऐसे चमत्कार सही है, हुआ तो ठीक, अन्यथा भगवान बदल लेते हैं। नहीं, इसके लिए मंत्र भी है, मंत्र नहीं बताऊंगा आपको। अगर मंत्र बता दिया तो आप लोग हमारे पास फोन कर करके पूछोगे कि ये आपने कैसे बता दिया, ये कुछ गलत तो नहीं, ये सही, भूल जाओ उस चीज को, भूल जाओ केवल इस चीज को। मूर्ख से मूर्ख, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी समझ सकता है। अभी बोल के देखो, वीडियो चलती रही, बोल के देखो, ऐसे बोलना हर पूजा के बाद, हर जाप के बाद यही बोलना है आपको। ये नहीं कि आरती करते ही बोलोगे फिर चालीसा कर, नहीं, जब आपको लगे कि हाँ हमने आरती और चालीसा संपूर्ण कर ली है, माला हमारे गले में है, हम 2 मिनट के लिए आसन पर बैठे, उस समय बोलो। आपका फल आपके पास है, कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। इंद्र पीछे खड़ा रहेगा, कुछ नहीं ले सकता हो। जब भी आप पूजा करने बैठते हो, अब हम आपको ये बातें बता रहे हैं ना, तो दो अब भी सुन रहे, कौन से दो, सबसे पहले इंद्र पीछे खड़ा है, देख रहा है, जब हमने बोल दिया चला गया खाली हाथ। इसके साथ साथ पता है कौन सुन रहा है, सप्तऋषि, रात को आकाश में दिखाई देते हैं ना, वो सप्तऋषि, वो सृष्टि के कल्याण के लिए है, वो सहशरीर आज भी इस पृथ्वी लोक पर विराजमान है, हमारी बातें अब भी सुन रहे हैं। जब आप सुन रहे हो तो वो भी सुन रहे हैं, इस समय भी सुन रहे हैं, उन्हें भी प्रणाम करो, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम किया करो। और जो आप बोलते हो ना, इसमें सभी को प्रणाम हो जाता है। राम बाण इलाज है, आज से अभी से इसी समय से आपकी हर पूजा स्वीकार होगी, कोई नहीं रोक सकता, और दुनिया में ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, गारंटी लेता हूं। ऐसी और वीडियो के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोग करते नहीं, ये गलत बात है आपकी, लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, कुछ जाता है आपका। और इस जानकारी को पहले मैं ये बोलता था कि 2-4 प्रेमियों के पास पहुंचो, अब मैं बोलता हूं लाखों प्रेमियों के पास पहुंचो, लाखों प्रेमियों के पास, क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी बदल दे। ऐसी ही और वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, जय श्री श्याम।